खाना खाया तुम लोगों ने? खाना खाया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि जनरली मैं ब्लॉग बनाता था, फूड ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो होने वाला है वो थोड़ा सा अच्छे काम से रिलेटेड है। तो नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो हम लोग जाने वाले हैं, तो हमारी कंपनी रिवाइव ने जो है एक डिसीजन लिया कि हम लोगों को जो है कुछ अच्छे वर्क करना चाहिए इस टाइम पे, लोगों को हेल्प करना चाहिए। तो हम कुछ स्लम एरिया में जा रहे हैं, जहाँ पे जो है लोगों को डेली फूड प्रॉपर टाइम से नहीं मिल पाता है, तो एक टाइम का फूड हम लोग अरेंज करा के जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो अभी हमारी टीम 7 लोग हम लोग जाने वाले हैं देहरादून में, घंटाघर के पास बिंदाल पुल है, वहाँ पर कुछ स्लम एरिया हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, प्रॉपर तरीके से रह नहीं पाते हैं या प्रॉपर खाना नहीं मिलता, तो वहाँ पर हम जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फूड को। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो का कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाना, इस वीडियो का पर्पज़ है ओनली कि लोग हमसे इंस्पायर हुए और भी लोगों की मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। तो गाइज, हम लोग रेडी हो चुके हैं अभी जाने के लिए। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? बिंदाल पुल जाएंगे, जहाँ पे जो है स्लम एरिया है, तो वहाँ पे लोगों को ज़्यादा नीड होती है खाने की, तो वहाँ पे हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे साथ है श्रुति मैडम। तो श्रुति मैडम कुछ बोलिए। हेलो, हम लोग एक बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, रिवाइव की पूरी टीम, और हम लोग जा रहे हैं बिंदाल पुल, जहाँ पे हम गरीब लोगों को खाना बांटने वाले हैं, और ये स्वाति मैम का आइडिया था। सो बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड के टाइम पे हमने काफ़ी बारी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा है, बट कंपनीज में बहुत कम ऐसी जगह होता है कि जहाँ पे आप सोशल वर्किंग गैदरिंग ऐसी तरीके से सोशल वर्क करते हो। और आई थिंक मैम का एक बहुत अच्छा विज़न है इसको लेकर कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसा फूड डिस्ट्रीब्यूशन और भी एक्टिविटीज़ हम लोग शुरू करने वाले हैं, जैसे मैम करेंगे आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। लाइन बना लो, एक एक करके शुरू कर दो। लाइन बना। लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ, यहाँ पे सबको मिलेगा। बहुत है। लाइन पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। इसको छोटी को आगे कर दो, छोटी का इधर पे आ जाओ। तो हमारे साथ है आकाश पाठशा जी, बताइए यार आज हम लोग क्या ऐसा काम करने वाले हैं यहाँ पे? आज हम लोग खाना बांटने वाले हैं यहाँ। हाँ, ये हमारी मैडम का आइडिया था, बहुत नेक आइडिया था, तो हम उसमें सहयोग देने आए अपनी मैम का। ओके, ये लोगो कैसा है? ये लोगो बहुत बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल रिवाइव का। हाँ, हमारी कंपनी का लोगो है, रिवाइव हेल्थ एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। बोल दो जितने आ सकते हैं। बहुत आदमी आ रहा है और क्या, जरा सा था। डाल दो। खाना खाया तुम लोगों ने? खाना खाया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुमने लड़के वाले बाल क्यों बना रखे हैं? और भाई भूख लगी है? भूख लगी है? भूख लगी है? हाँ। खाना खाना है? अबे मार के रहे
खाना लेके जाना, खाना खाना ठीक है, स्टॉक मत करो, खाओ पेट भर के जाओ। और भी जो है जिसको खाना खाना है उसको यही बुला लो, नीचे खाएंगे। नीचे क्यों खाओगे? नीचे नीचे हमारा घर है ना, साइड में खाओ बड़ी। क्या कह रहे हो? हाँ यहीं पे खाओ, यही सही है। और खाना है और लेके जाना, ठीक है ना, वेस्ट मत करो खाने को। ऐसे क्यों बाल रखे? किसने सजेशन किया है तुमको? किसने बोला ऐसे बाल रखने? अच्छा सीधा चले जाइएगा, थाना से घूम कर आइएगा, वो मंदिर है। ठीक है ठीक। खाना खाया? आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ भाई, आ जाओ सबके लिए खाना। स्टॉक बचा हुआ अभी तो बहुत है। क्या प्लेट कम होंगी सर? चुके होंगे आई थिंक 50-60 करीब हम लोग फीडिंग आ चुके हैं अभी इनको, और भी आ रहे हैं अभी। आराम से फू मारो, पहले फू मारो, फू करो, फू करो, इसमें फू करो, फू करो, फू करो, अभी गरम गरम खाएगी भी इसका। दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा? कहाँ घुस गया भाई इसके? कहाँ पे लगा? कहीं खाना खा तो अपने खाना खा। बैंडेज लगा कहाँ पे है? ये हाँ मेरे को तो दिख नहीं रहा। हाँ ये कटा, ठीक है यहाँ पे लगा दो इसको ना, कटा हुआ था ना। और इसको खाना भी दे दो यार, खाना भी नहीं। बैंडेज को फिर ना कल निकाल देना, इसको कल तक निकाल देना। तो गाइस फाइनली हमारा हो चुका है, तो हम लिए अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने जो है 100 से प्लस लोगों को यहाँ पे खाना खिलाया। तो जो मेन लीड करी थी वो थी हमारी मैम, सभी लीड कर रहे थे, बट यहाँ पे हमारे साथ श्रुति मैम है, पुरु आए हैं, और हमारे साथ है आकाश भाई, और लोग भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो और लोग भी जुड़ सकते हैं।